सुमन अंसारी के साथ खबर देखने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ओलावृष्टि से किसानों की फसलें हुई बर्बाद, जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। खबरें विस्तार से। मौके पर विधायक ने पहुँच कर लिया जायजा। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले में बीती रात खराब मौसम के चलते जिले भर के कई ग्रामों में जोरदार बारिश और ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलें नष्ट हो गई, जिसकी जानकारी विधायक राकेश गिरी को मिली। वहीं उन्होंने पटवारी और अधिकारियों के साथ कई ग्रामों का दौरा किया और ग्रामीणों की फसलों के नुकसान की जानकारी ली, साथ ही उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। टीकमगढ़ से जमील खान की खास रिपोर्ट। यार टीकमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जहां शनिवार को 5 बजे तक मरीजों की संख्या 33 हो चुकी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी पीके माहौर द्वारा बताया गया कि जिन लोगों के सैंपल भेजे गए थे उनमें से अभी तक 35 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और शाम तक मरीजों के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ से जमील खान की खास रिपोर्ट। टोटल तो वैसे 33 हमारे पोर्टल में यहाँ डले हैं, उस 33 में से दो जो है छतरपुर के हैं और एक निवाड़ी का है, तो इनको अगर हटा देते तो 30 जो है ना टीकमगढ़ जिले में है। 30 में 11 जातारा हैं और 11 पलेरा ब्लॉक में है एवं 8 जो है यहाँ बल्लेवगढ़ ब्लॉक में है, और इनकी जो है टीमें गई हुई हैं, तो उनकी उनके जो सिम्टम्स हैं है ना, उनके सिम्टम्स के आधार पर उनको जो है ना होम आइसोलेशन या जो है कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। अभी कितनी जांचें हैं सर और आने वाले? अभी देखते हैं 6 बजे तक और कितनी रिपोर्टें आती हैं। अभी कितनी गई हैं लगभग सर जांचें? जांचें तो हम प्रतिदिन जो है ना 700 के ऊपर ही जारी है, डेली की डेली आरटीपीसीआर। सर प्रशासन की तरफ से क्या सख्ती हुई सर? प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है, उनको जैसे बैरिकेड्स वगैरह उनके घरों में लगाए जा रहे हैं उनको, है ना, और साथ में जो है उनको अगर होम आइसोलेट किए जाएंगे तो उनको भी जो है ना उनके परिजनों को जो है ना वो रखा जाए सेपरेट, साथ में जो है ना हम भी अपनी तरफ से मॉनिटरिंग वगैरह कराएंगे कि वो जो है ना यदि हमारे कोविड केयर सेंटर में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर होम आइसोलेट रहते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग भी हमको डेली करना पड़ेगी और उनको जो है ना दूसरे लोगों से सेपरेटली रखना पड़ेगा। शासन की तरफ से भी जो है ना रोको टोको अभियान चलाए जा रहे हैं, जहां जो भी लोग बिना मास्क के हैं तो उनको जुर्माना किया जा रहा है और उनके जो है ना ऐसे जो है ना पॉइंटों के आधार पर हम उनके सैंपलिंग भी करा रहे हैं। हाँ, बेड में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, 298 ऑक्सीजन बेड तो हमारे जिला अस्पताल में ही है। इसके अलावा भी जो है ना जैसे जतारा में 30 बेड है ऑक्सीजन वाले, और अलग अलग जो दूसरे ब्लॉक हैं पलेरा है या बल्लेवगढ़ है या बड़ा गांव है, यहाँ भी जैसे बड़ा गांव में 6 ऑक्सीजन बेड है, पलेरा में 9 ऑक्सीजन बेड है, है ना, इस तरह से 10 जो है ना हमारे बल्लेवगढ़ में भी ऑक्सीजन बेड है, तो वहाँ अलग अलग उसमें रखने का है। इसके साथ साथ जो है ना हमने बड़ा गांव में भी जो है कोविड केयर सेंटर अलग से जो है ना वो बना लिया है, और हमारे यहाँ भी टीकमगढ़ जिले में भी डोंगा में जो हमारा गर्ल्स छात्रावास है हरजन छात्रावास, उसमें 50 बेड जो है ना कोविड केयर सेंटर में, जहाँ हम माइल्ड मरीज जो है ना माइल्ड सिम्प्टोमेटिक मरीजों को रखेंगे जिनके घर पे कोई जो है ना व्यवस्था नहीं है।